टीवीएस शोरूम लूटकांड मामले का धनबाद पुलिस ने किया खुलासा। 8 अपराधी समेत लूट का सामान भी जब्त। निशा के शासन बेड़िया स्थित महादेव ऑटोमोबाइल टीवीएस शोरूम में घटित हुई डकैती की घटना में धनबाद पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सभी अपराधियों ने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। अपराधियों में मधुसूदन दास उर्फ मधु, विश्वजीत कर्मकार, राजेश बावरी, वरुण बावरी, मुकेश बावरी, संदीप बावरी, सोहन बावरी, कुंदन मिर्धा शामिल है। सभी निशा के ही आसपास के रहने वाले हैं। ये जानकारी धनबाद के एसएसपी किशोर कौशल ने प्रेस वार्ता में मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि इनके पास से डकैती का सारा सामान बरामद कर लिया गया है, जिसमें एक प्रिंटर, एक थर्मस, 12 मोटरसाइकिल की चाबी, एक स्कूटी, 3 डेस्कटॉप मॉनिटर, 2 लैपटॉप, 1 सीपीयू, 4 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 2 बाइक के टायर शामिल हैं, जिसकी कीमत लगभग 3,50,000 है। एसएसपी ने बताया कि इस घटना के बाद एसएसपी के निर्देश पर ग्रामीण एसपी के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कारित करने का मामला प्रतिवेदित हुआ था, जिसके पश्चात पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें एसडीपीओ निरसा, निरसा थाना प्रभारी, गोविंदपुर थाना प्रभारी व अन्य पदाधिकारी शामिल थे और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरे कांड का खुलासा किया है, जिसमें कुल मिलाकर 8 अपराधकर्मी हिरासत में लिए गए हैं, जिनको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और इनके पास से जो सामान लूटा गया था, डकैती में लूटा गया था, वो सारा सामान बरामद किया गया है। कुल मिलाकर के इसमें 2 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी, इसके अलावा 2 लैपटॉप, 4 मोबाइल फोन, 3 डेस्कटॉप मॉनिटर्स, 1 प्रिंटर, कुछ हेलमेट्स, कुछ टायर और कुछ और सामान लूटने की बात दर्ज कराई गई थी, वो सारा का सारा सामान जो है इनके पास से बरामद। टायर की संख्या के मामले में 15 टायरों की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें 2 टायर बरामद हुआ है, बाकी की बरामदगी के लिए प्रयास जारी है। बाकी जितने भी सामान है, जो मोटरसाइकिल, स्कूटी या लैपटॉप और जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लूटा गया था, वो सारा का सारा सामान बरामद किया।